कुछ भौतिक राशियों के गिने चुने 4 से 5 ऐसे भौतिक राशियों, अगर उसकी आप लोग बेमी सूत्र कर लेना तो समझो पूरा का पूरा खेल आपके हाथ में, आप हर किसी का बना। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, पढ़ाई स्टार्ट कर दिए होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, विमी सूत्र के बारे में, आपके विमी सूत्र निकालना कैसे है उसके लिए समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को डाउट इस पर आ रही है। तो एज अ डाउट वीडियो आपके लिए इसको बना रहे हैं, और कुछ प्रीवियस वीडियो डल गई है, चैप्टर 1 की वीडियो डल गई है, चैप्टर 2 की वीडियो जो है ऑलरेडी डल गई है, तो आप लोग जाकर के उसे देख सकते हैं, उसके लिंक आपको भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसमें विमी सूत्र जो है निकालना सीखेंगे। तो उससे पहले कुछ चीजें सीख लेते हैं, विमी सूत्र होती क्या है। तो ऑलरेडी मैं जो है उसका लिख चुका हूं, किसी भी जो भौतिक राशि होते हैं, कोई सभी भौतिक राशि होता है, जैसे कि मान के चलो क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल को अगर हम एम एल तथा टी के घात के रूप में, एम एल और टी के घात के रूप में व्यक्त करते हैं, तो उसे ही क्या कहते हैं, विमी सूत्र कहते हैं। मतलब किसी भी भौतिक राशि को एम एल तथा टी के घात के रूप में ही दर्शाना क्या कहलाता है, विमी सूत्र कहलाता है। और इस विमी सूत्र से आपको क्या उसकी एसआई मात्रक कैसे लिखनी है, और या एसआई मात्रक दिया तो उसको विमी सूत्र उसका कैसे लिखनी है, ये भी हम इस वीडियो पर देखने वाले सीखने वाले, तो बहुत ध्यान से देखना और ध्यान से सीखना है आपको, ठीक है। तो जो विमी सूत्र होती है, ठीक है, उसकी बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। विमी सूत्र निकालने के लिए आपको तीन जो टर्मिनोलॉजी है, बोल सकते हैं तीन टर्म है, लाइक द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान अगर ये पता है, और आपका बोल सकते हैं लंबाई, बोल सकते हैं, ठीक, लंबाई हुआ, अगला जो है समय, ये तीनों का मेन रूप से यूज होगा पूरा का पूरा विमी सूत्र में, ठीक है। एक और आती है धारा, लेकिन उसका जो है बहुत कम उपयोग होता है, लेस होता है, थीटा वगैरह भी आएगा जब कोड़ी वेग वगैरह करेंगे तो, लेकिन उन सब चीज का होता है कम होता है, लेस होता है, बहुत कम। लेकिन आपको द्रव्यमान, लंबाई और समय, ये तीन जो भौतिक है, अगर ये तीनों पता है तो समझो आपका पूरा समझ आने वाला है। तो द्रव्यमान को हम लोग मास बोलते हैं, तो मास का एम, फिर लंबाई को हम लोग किससे मेजरमेंट करते हैं, लंबाई को लेंथ बोलते हैं, तो इसकी हो जाएगी एल, और समय को टाइम बोलते हैं, तो टाइम की टी, तो ये हो जाएगा, और धारा को एम्पियर, तो ए। इस तरीके से अगर ये है तो समझो बनने वाली है आपका, क्लियर यहां तक। ये तीन जो बेसिक टर्म्स है वो आपको पता होनी चाहिए, द्रव्यमान के लिए एम, लंबाई के लिए एल, समय के लिए टी करेंगे। अब हम लोग चलो निकालना सीखते हैं, जैसे कि मान के चलो मुझे किसका निकालना है, क्षेत्रफल का सबसे पहले, ठीक है, क्षेत्रफल का अगर हम लोग निकालेंगे, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक है। अब देखो यहां पर लंबाई मतलब लेंथ, लंबाई की क्या होती है, एल होती, यहां से देखिए ना हमने, तो चौड़ाई का क्या होगा, तो भाई चौड़ाई है तो उसको किसी ना किसी से तो मेजरमेंट करेंगे, ठीक है, तो उस चौड़ाई के भी तो कुछ ना कुछ लेंथ होगी, तो इस तरीके से इसको भी एल बोल देंगे, तो इसको एल और एल का गुणा होगा, तो एल की घात 2 हो जाएगी इस तरीके से, तो ये हो जाएगी इसकी क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, विमी सूत्र ये हो सकता है, या आप इसको कैसे लिख सकते हैं, यहां पर देखो तीनों की घात के रूप में लिखना है, हमने परिभाषा में देखे उसके, तो आप इसको या तो एल स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं, अदरवाइज ऐसा लिख सकते हैं कि देखो यहां पर एम नहीं है तो एम की घात 0, एल की घात 2 ऐसा लिख देना है, और टी नहीं है तो टी की घात 0 ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप लोग बोलेंगे, आप बोले थे कि इसी के हिसाब से जो है हम लोग क्या निकालना सीखेंगे, बोले थे इसकी एसआई मात्रक, तो एसआई मात्रक चलो सीखते हैं भाई। एसआई मात्रक अगर निकालना है बहुत आसान है, देखो यहां पर सिर्फ एल की घात 2 है, लंबाई है मतलब लेंथ है, लेंथ को किससे मेजरमेंट करते, लेंथ की जो लंबाई की एसआई मात्रक हमारी क्या होती है, वो होती है मीटर, तो यहां पर मीटर 2 बार है, तो इस तरीके से इसकी एसआई मात्रक की बात करें तो हमारा मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये इसकी एसआई मात्रक होगी, मीटर की घात 2, क्लियर है, ये आया समझ। अब थोड़ा थोड़ा और छोटा छोटा चीज है उसको करते चलते, जैसे कि आयतन का निकाल लेते, आयतन का क्या होता है, आयतन की सूत्र आपको पता होना चाहिए, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ठीक है। अब देखो लंबाई को जो है हम लोग एल से मेजरमेंट कर, लेंथ होगी उसकी, ठीक है, चौड़ाई भी एल और उसकी ऊंचाई भी एल, ठीक है, ऊंचाई है तो कुछ ना कुछ उसकी लेंथ तो होगी ना, उसी के हिसाब से इसको हम लोग सबको एल 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 जो है ले लिए, क्लियर। अब यहां पर क्या करेंगे, एल की घात देखो कितनी बार गुणा करेंगे तो एल की घात 3 हो जाएगी, तो सिमिलरली ये तो उसका आयतन की क्या हो जाएगा, विमी सूत्र एल टू दी पावर 3, अदरवाइज आप ऐसा लिख सकते हैं, कैसा, अगर एम के टर्म में लिखना है तो एम टू दी पावर 0,
और एल टू दी पावर 3 और टी टू दी पावर 0। अब देखो इसकी एसआई मात्रक की बात करें तो ये भी बहुत आसान है ना। अगर एसआई मात्रक लिखना है तो एम टू दी पावर 3 मीटर का क्यूब हो जाएगा इस तरीके से। ये इतनी आसान है, इस तरीका से ही आपको करना है हर एक को, और कुछ कुछ है अगर वो याद है तो समझ हो जाएगा। अब देखो, अब मान के चलो फंस गए हो, आपको पता है कहीं पर दिया है कि एम स्क्वायर है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर लिखो मीटर के स्क्वायर मतलब लेंथ का स्क्वायर होगा करके, इस तरीके से उसको उल्टा भी करना जो है आपको सीखना है। क्लियर है? कुछ और देख लेते हैं। लाइक हम लोग चलते हैं किस पर, घनत्व पर चलते हैं। ठीक है, घनत्व का क्या होता है, घनत्व पर चलेंगे। डेंसिटी का जो होता है, घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान बटा में जो होता है आपका क्या, आयतन। ये सूत्र बस थोड़ा थोड़ा याद करना पड़ेगा, और 10 से 15 है भाई, इतना तो आपको करना पड़ेगा ही ये सूत्र के साथ। सिंपल सा आपको सूत्र पता होना चाहिए, मतलब ये वाली सूत्र, देन हम लोग विमी सूत्र आपको निकाल के दिखा रहे हैं। द्रव्यमान का देखो, द्रव्यमान का होता कितना, एम हुआ, और आयतन का ऑलरेडी हमने निकाल रखा। देखो मुश्किल से एक दो आयतन का निकाली, ये कितना होता है आयतन की जो होते हैं एल टू दी पावर 3 इस तरीके से, ऐसा। तब इसको आगे जब हम लोग कैसे लिखेंगे, एम की पावर में 1, और एल को जब ऊपर ले जाएंगे तो एल टू दी पावर माइनस 3 और टी टू दी पावर 0 हो जाएगी इसकी, इस तरीके से। तो इसका विमी सूत्र इस तरीके से हो, किसका, घनत्व का। क्लियर? अगर हम आगे चलते किसी और पर, लाइक हम चलते हैं वेग पर, वेग बोल सकते या चाल बोल सकते, ठीक है, दोनों का सेम होने वाला है। इसमें क्या होता है, अगर चाल निकालना है तो दूरी बटा जो है समय होती है, ठीक है, दूरी बटा में समय। अब यहां पर समझने वाली बात यह है क्या कि दूरी, दूरी को मेजरमेंट हम लोग किस, क्या करेंगे, लेंथ, लेंथ मानेंगे ना, कोई सा भी दूरी तो वो तो एक स्पेसिफिक लेंथ है, तो लेंथ के लिए एल और टी, समय के लिए टी, इस तरीके से लिखेंगे, यही इसकी विमी सूत्र। अब इसको अगर इस फॉर्म में लिखना है तो एम देखो नहीं है यहां पर, एम टू दी पावर 0 हो जाए, और एल ऊपर में है तो एल टू दी पावर 1 लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तब भी वो सही है, ठीक है। अब देखो टी को ऊपर ले जाएंगे तो वो टी में माइनस 1 लग जाएगा, जैसे कि वहां पर हमने टी एल को ऊपर ले गए थे यहां पर, तो एल की पावर में माइनस 3, वो माइनस 3 बन के गया था, उसका इनवर्स बन गया था, सेम इसी तरीके से आपको करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग आपका देख लेते त्वरण। अगर ये इतना याद है समझो तो आप लोग किसी का भी कर सकते हो। त्वरण में किसको बोलते हैं, वेग बटा समय होती है, वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं ना फॉर्मूला में, तो वेग बटा कितनी होती है, इसमें वेग बटा में होता है समय। अगर ये फॉर्मूला हुआ तो देखो वेग का कितना होता है भाई, हम लोग वेग का लिख सकते हैं डायरेक्टली इतना एल बाई टी लिख सकते थे, या इतना लिख सकते हैं कितना, एम टू दी पावर 0, एल टू दी पावर 1 और टी टू दी पावर माइनस 1, ये वेग की होती है। समय के लिए क्या लगेगा, फिर से नीचे में एक टी लग जाएगा। अब देखो ये टी फिर से ऊपर जाएगा, टी को ऊपर ले जाएंगे ना, सिंपल में लिखेंगे तो एम टू दी पावर 0, एल टू दी पावर 1 और टी देखो ऊपर में पहले से ऑलरेडी एक था तो एक और हो जाएगा, ये माइनस 2 बन जाएगा इस तरीके से। तो ये रहा त्वरण, तो ये आपका क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, चाल, वेग, त्वरण, इतना है तो समझो आप बाकी का कर सकते हो, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ जो है क्या करने की जरूरत पड़ेगी, आपको जो है फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि हम लोग नेक्स्ट जो है आपका देख लेते हैं आपके बुक से, किसका देख सकते हैं, जैसे कि हम जो है देख लेते हैं बल का, ठीक है। बल का क्या होती है भाई, बल का बहुत आसान है, बल के लिए सूत्र आपको पता होना चाहिए, बल मतलब जो होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण, ठीक है, ये सूत्र याद होनी चाहिए, द्रव्यमान गुना में त्वरण, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, देखो अभी तक तो अपन भाग 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 वाला देखे थे, फर्स्ट टाइम गुणा वाला है, तो इसको थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं। द्रव्यमान का कितना लिखेंगे भाई, एम, ठीक है, द्रव्यमान का हमारा एम हुआ, इसका मल्टीप्लाई जो है किसके साथ करेंगे, त्वरण की, त्वरण की वैल्यू है यहाँ पर एम टू दी पावर 0 और एल 1 और टी टू दी पावर माइनस 1 2 इस तरीके से। ये तो यहां पर देखो एम पहले नहीं था, बट एम जो है अब आ जाएगा, तो एम टू दी पावर 1 हो जाएगा और एल टू दी पावर ऑलरेडी 1 है, टी टू दी पावर माइनस 2 हो जाएगा, ये इसकी आंसर किसकी, बल के। तो इसी तरीके से अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप कर सकते। अब इसी के अकॉर्डिंग ही आप लोग को एसआई मात्रक जो भी है आपको लिख लेना है, जैसे कि यहां पर हम लोग कर रहे थे, ठीक है, सेम इसका भी एसआई मात्रक आप लोग लिख सकते हैं। तो आपको कुछ और जो है बुक का आपको इसी वे पे करना है, कुछ चीजों को समझते हुए करना है, तब जाके आप कर पाओगे। और मेन इसको तो आपको ये आपके माइंड में होनी चाहिए, आपको फॉर्मूला लर्न होनी चाहिए, ठीक है, इतना आपको करना है, ठीक है। तो आई होप ये आपके लिए थोड़ी बहुत हेल्पफुल रहा होगा, यूजफुल रहा होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना।
ठीक है, तो फिर मिलते हैं फिर आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में।